हेलो क्लास सिक्स, वेलकम स्टूडेंट्स। एलन पब्लिक स्कूल नेत्राना की ऑनलाइन क्लासेस एलन एजुकेयर में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपका ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर जो स्टार्ट किया था लास्ट वीडियो में, द ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, उसका नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम आज जिस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे वो है हीट जोन्स। ठीक है, किस तरीके से हीट जो है, टेम्परेचर जो है, वो किस तरीके से डिसाइड किया जाता है अर्थ पे। द क्लाइमेट चेंज फ्रॉम हॉट टू कोल्ड एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवार्ड्स द पोल्स। जो क्लाइमेट है वो गर्म से ठंडे में बदल जाता है। कब बदल जाता है? जब हम भूमध्य रेखा से पोल्स की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, जैसे कि ये मान लो बीच में भूमध्य रेखा है, यहाँ से जब हम ऊपर ये वाला पोल और नीचे ये वाला पोल, जब हम पोल्स की तरफ चलते हैं तो सर्दी बढ़ती है और गर्मी कम होती जाती है। क्यों होता है? तो टेम्परेचर चेंज फ्रॉम हॉट टू वार्म, वार्म टू कूल एंड कूल टू कोल्ड इन बोथ हेमिस्फीयर्स टुवार्ड्स द पोल्स। जब ये वाली इक्वेटर है भूमध्य रेखा, इससे ऊपर वाला भी एक हेमिस्फीयर है और नीचे वाला भी एक हेमिस्फीयर है, तो टेम्परेचर क्या होता है, पहले हॉट से वार्म होता है, यानी बहुत गर्म से कम गर्म, फिर उससे कुछ ठंडा होता है और फिर ठंडे से बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। दोनों हेमिस्फीयर में होता है ये, ऊपर वाले में भी और नीचे वाले में भी, टुवार्ड्स द पोल्स, जब हम पोल्स की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ये जो किनारे हैं इनकी तरफ जब हम बढ़ते हैं तब ये प्रोसेस दोनों हेमिस्फीयर में सेम होती है। दिस हैपन सिंस द सन रेज बिकम इंक्रीजिंगली स्लैंटिंग एंड थस हीटिंग ऑफ द अर्थ सरफेस बिकम्स लेस। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य की किरणें क्या हो जाती हैं, इंक्रीजिंगली यानी बढ़कर तिरछी हो जाती हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, जबकि जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ बढ़ते हैं सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं ऐसे। ठीक है, तो यहाँ भी सेम कंडीशन नीचे होती है, तो तिरछी होने की वजह से क्या होती है, उसकी जो हीट है वो कम पहुँच पाती है और इसलिए अर्थ की जो हीटिंग है, अर्थ सरफेस की जो हीटिंग है वो भी कम होने लगती है। द अर्थ इज़ डिवाइडेड ऑन बेसिस ऑफ द रीजन्स डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर इन टू द फॉलोइंग हीट जोन्स। अर्थ है उसको ना, मतलब रीजन्स में जो डिस्टेंस है, जो दूरी पाई जाती है इक्वेटर से लेके पोल्स की तरफ, जो दूरी है यहाँ से लेके, पहले ये आएगा फिर ये आएगा फिर पोल आएगा ना, तो ये जो दूरी है इसके आधार पर कुछ हीट जोन्स बनाए हैं, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे टॉरिड जोन के बारे में। ओके, टॉरिड मीन्स हॉट, टॉरिड मीन्स बहुत गर्म। दिस जोन लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ सेंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये ट्रॉपिक ऑफ सेंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में पाया जाता है, 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ। द सन रेज फॉल डायरेक्टली इन दिस जोन। इस जोन पर सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल। इट इज़ द हॉटेस्ट जोन ऑन अर्थ, धरती का ये सबसे गर्म जोन माना जाता है। ठीक है, सबसे हॉटेस्ट जोन है। टेम्परेट जोन जो है, टेम्परेट मीन्स मॉडरेट, टेम्परेट का मतलब होता है औसत दर्जे की गर्मी, यानी ना तो ज़्यादा गर्मी और ना ही ज़्यादा सर्दी। नाइदर टू हॉट और नॉर टू कोल्ड, ना ज़्यादा गर्म और ना ही ज़्यादा ठंडा। द नॉर्थ टेम्परेचर जोन लाइज बिटवीन ट्रॉपिकल सेंसर एंड दी आर्कटिक सर्कल, 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 66.5 डिग्री नॉर्थ। वाइल दी साउथ टेम्परेट जोन लाइज बिटवीन द ट्रॉपिकल कैप्रिकॉन एंड दी अंटार्कटिक सर्कल, 23.5 डिग्री साउथ टू 66.5 डिग्री साउथ। दीज रीजन्स रिसीव स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन एंड हैंस हैव मॉडरेट टेम्परेचर्स। ये जो है ना क्षेत्र है, इसके अंदर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं और इसलिए यहाँ का टेम्परेचर जो है वो औसत दर्जे का पाया जाता है, ज़्यादा गर्म नहीं होता। ठीक है, ये जो आप साउथ नॉर्थ 23.5 ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न सेंसर ये आप पढ़ रहे हो, ये यहाँ देखो, जैसे ये है टोरिड जोन, 0 डिग्री होता है। ठीक है, नॉर्थ की तरफ ये किस किस के बीच में है, ये ट्रॉपिक ऑफ सेंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में है। फिर ये जो टेम्परेट जोन हमने अभी पढ़ा, ये आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ सेंसर के बीच में, 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23 डिग्री आप साउथ में भी, ये यहां से यहां तक है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल के बीच में। ठीक है, तो यहां इसमें पता लगता है हीट जोन ऑफ अर्थ की कहां कैसे है। फिर हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं वो है फ्रीजिड जोन्स। फ्रीजिड मींस कोल्ड, फ्रीजिड मतलब जम जाने वाली ठंड। द नॉर्थ फ्रीजिड जोन लाइज बिटवीन द आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड द नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ। While the South Frigid Zone lies between the Antarctic Circle 66.5 degree South and the South Pole 90 degree S. ठीक है, तो ये यहाँ पाया जाता है। और यहाँ पे ठंड क्यों होती है इतनी? द सन रेजेज आर वेरी स्लैंटिंग हेयर, यहाँ पर सूर्य की किरणें बहुत ही ज़्यादा तिरछी हो जाती हैं, रिजल्टिंग इन वेरी लिटिल हीटिंग इन दीज रीजन्स। और रिजल्ट में क्या होता है, यहाँ पर बहुत ही कम गर्मी होती है इन क्षेत्रों में, यानी गर्मी नाम मात्र की होती है, बल्कि यहाँ पर जमा देने वाली ठंड होती है। लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड यानी मेरिडियंस, मेरिडियंस होते हैं मध्याहन रेखा। ओके, और लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड के बारे में अब हम पढ़ेंगे। ओके, अब हम देशांतरीय रेखाओं के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। लॉन्गिट्यूड इज़ द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। लॉन्गिट्यूड जो है वो एक एंगुलर डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस एक
एक पॉइंट की दूरी होती है जो धरती के सरफेस पर आप देख पाते हो, मेजर्ड इन डिग्रीज ईस्ट और वेस्ट फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन। इसे डिग्रीज में मेजर किया जाता है, ईस्ट और वेस्ट तक प्राइम मेरिडियन से लेके ईस्ट और वेस्ट में दोनों तरफ इसे डिरेक्ट किया जाता है। द एंगल ऑफ मेजरमेंट इज फॉर्म्ड एट द एंटायर ऑफ द अर्थ एंटर ऑफ द अर्थ। जो एंगल है मेजरमेंट का एट द एंटर ऑफ द अर्थ, पूरी की पूरी धरती पर क्या किया जाता है, इसे मेजर किया जाता है। उसके बाद द प्राइम मेरिडियन इज द 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पासिंग थ्रू ग्रीनविच इन इंग्लैंड। जो प्राइम मेरिडियन है वो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है और वो इंग्लैंड के ग्रीनविच से होकर गुजरता है, वेयर द ब्रिटिश लॉयल ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड। ठीक है, ये वहाँ पे है। इट डिवाइड्स द अर्थ इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर्स। ये धरती को ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में बांटता है। द लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड गिव अस द वर्टिकल कोऑर्डिनेट्स और द ईस्ट वेस्ट लोकेशन ऑफ अ प्लेस। ये जो लाइन है ये हमें लॉन्गिट्यूड के अंदर क्या देता है, एक वर्टिकल कोऑर्डिनेशन देता है, या फिर हमें ईस्ट और वेस्ट दोनों में मिलाकर लोकेशन बताता है किसी जगह की, कि कहाँ पर कौन सी जगह स्थित है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिडियंस, इनकी कुछ विशेषताएं कैसे इनके बारे में पता लगता है। सबसे पहले जो पॉइंट है, लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड रन फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल इन अ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। लाइन्स होती है जो लॉन्गिट्यूड की, वो रन करती है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। ठीक है, यानी इस तरीके से। उसके बाद हाउ एवर दे डिटरमाइन द ईस्ट वेस्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ प्लेस। उसके बाद में ये हमें डिटरमाइन करती हैं ईस्ट और वेस्ट कोऑर्डिनेशन बताती है एक जगह का, यानी इस तरीके से ईस्ट और वेस्ट, और ऐसे मान लो वो होती हैं अपनी लैटिट्यूड्स। तो अगर ये दो लाइन्स हो गई, ये दो हो गई, तो अगर कोई जगह अपने को सजेस्ट करनी हो कि यहाँ इस एरिया में है वो प्लेस, तो ये इसमें आसानी करते हैं। ठीक है, फिर है द डिस्टेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव मेरिडियंस डिक्रीजेज पोल वार्ड फ्रॉम द इक्वेटर। जो डिस्टेंस होता है, जो मतलब एक के बाद एक जो मेरिडियंस आती हैं, जो ये रेखाएं आती हैं, जो ये मध्याह्न रेखा होती हैं, इनके एक के बाद एक के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो डिक्रीज होता जाता है, यानी कम होता जाता है। कहाँ पे? जब हम पोल की तरफ बढ़ते हैं, ऊपरी किनारे की तरफ जब यहाँ बढ़ते हैं या इस तरफ बढ़ते हैं, तो ये कम होता जाता है इक्वेटर से, यानी बीच में ये इक्वेटर है भूमध्य रेखा, यहाँ पर इनके बीच में दूरी ज़्यादा होती है, जबकि जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं वैसे वैसे इनके बीच में दूरी कम होती जाती है। ठीक है, वेयर दे ऑल मीट, यहाँ ये सब एक साथ मिलती हैं। द मेरिडियंस आर नंबर्ड बिगनिंग फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन। इनका जो मेरिडियन का नंबर्ड है ना, वो कहाँ से शुरू होता है? प्राइम मेरिडियन से शुरू होता है, यानी यहाँ से शुरू होता है। सॉरी, ये ऐसे होती है ना, ये इस तरीके से, तो फिर ये इस तरीके से ऐसे आती हैं और यूँ मिलना स्टार्ट हो जाती है, इस पॉइंट पे ये मिलती है। तो नीचे आते टाइम और ऊपर जाते टाइम इनका जो बीच का गैप है ना, डिस्टेंस है, वो कम होता जाता है। ठीक है, जो प्राइम मेरिडियन होती है वो बीच वाली जो रेखा होती है, ये इसको बोला जाता है। उसके बाद में यहाँ से मेरिडियन स्टार्ट होते हैं। द लाइन्स टू द ईस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन आर कोल्ड लॉन्गिट्यूड 0 to 179 degree ईस्ट, वाइल दोज ऑन द वेस्ट आर 0 to 179 degree वेस्ट। द 180 degree लॉन्गिट्यूड इज नाइदर ईस्ट और नॉर वेस्ट। तो ये बोलता है भी ईस्ट की तरफ जो प्राइम मेरिडियन होते हैं लॉन्गिट्यूड, वो 0 to 179 degree ईस्ट होते हैं, और जो वेस्ट की तरफ होते हैं वो 0 to 179 degree वेस्ट होते हैं। जो 180 degree का लॉन्गिट्यूड होता है ना, वो ना तो ईस्ट होता है और ना ही वेस्ट होता है, क्योंकि वो बीच में होता है। ठीक है, उसके बाद में है देयर आर 360 degrees ऑफ लॉन्गिट्यूड, 360 degree लॉन्गिट्यूड्स होते हैं टोटल। द मेरिडियंस फ्रॉम ग्रेट सर्कल्स अराउंड द अर्थ। मेरिडियंस क्या बनाते हैं? बड़े ग्रेट सर्कल्स बनाते हैं धरती के चारों ओर। फॉर एग्जाम्पल द 0 degree एंड 180 degree लॉन्गिट्यूड्स टुगेदर फॉर्म अ ग्रेट सर्कल। जो 0 degree लॉन्गिट्यूड होता है और जो 180 degree लॉन्गिट्यूड होता है, वो एक ग्रेट सर्कल बनाते हैं। एंड डिवाइड द ग्लोब इंटू टू हाफ्स, और जो ग्लोब है उसको दो हिस्सों में बांट देते हैं। रूट्स दैट फॉलो ग्रेट सर्कल्स मार्क द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू प्लेसेज। वो रूट जो कि ग्रेट सर्कल्स को मार्क करता है, वो एक सबसे छोटा डिस्टेंस बनाता है दो स्थानों के बीच में। हैंस मोस्ट लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइट्स फॉलो दीज रूट्स। जो ज़्यादातर लंबे डिस्टेंस होते हैं वो भी क्या करते हैं, इस रूट को, इन रूट्स को फॉलो करते हैं। द ग्रेट सर्कल मार्क्ड बाय 0 degree लॉन्गिट्यूड एंड 180 degree लॉन्गिट्यूड डिवाइड्स द ग्लोब इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। जो 180 degree वाला जो देशांतरीय रेखा होती है और जो 0 degree वाली होती है, वो दोनों मिलकर क्या करते हैं, हेमिस्फीयर को दो हिस्सों में बांटते हैं, ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। पहले हमने पढ़ा था, मतलब ये जैसे ग्लोब है, इसके अंदर हमने पढ़ा था कि ये वाली जो लाइन होती है बीच में, ये ठीक है, ये इक्वेटर होता है, और ये मतलब दो हिस्सों में बांटती है, एक तो नॉर्थ हेमिस्फीयर और एक साउथ हेमिस्फीयर। ठीक है, साउथ हेमिस्फीयर। अब ये वाली जो लाइन है ना, ऐसे वाली, ये 0 meridian है, 0 degree मेरिडियन, और ये इसको ग्लोब को दो हिस्सों में बांटती है, एक ये वाला और एक ये वाला। तो ये कौन सा हो गया,
ये वाला और ये वाला दो हिस्से करते हैं, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। इस तरीके से फोर पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है इसे। उसके बाद में लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर कोल्ड मेरिडियंस, जो लॉन्गिट्यूड की लाइन्स होती है ना, ये वाली जो लाइन्स होती हैं ये वाली, इनको क्या कहा जाता है, मेरिडियंस कहा जाता है। मीनिंग मिड डे, इसका मतलब क्या होता है, आधा दिन। द मिड डे इज हाफ वे पॉइंट ऑफ द सन्स जर्नी बिटवीन सनराइज एंड सनसेट, इसके अंदर मतलब पॉइंट होते हैं हाफ वे के अंदर। मिड डे इज हाफ वे, आधा रास्ता होता है सूर्य की उस पूरी जर्नी का, जिसके अंदर सूर्य सनराइज भी करता है और सनसेट भी होता है, ठीक है, यानी सूर्य उगता भी है और छिपता भी है। इसके अंदर द 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट एज द इंटरनेशनल डेट लाइन, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड भी उतना इंपॉर्टेंट है जैसे कि इंटरनेशनल डेट लाइन। आइडियल रन्स अलोंग इट, क्योंकि वो इसी पे डिपेंड करती है। डे एंड डेट चेंज एट द आइडियल, आइडियल वाली लाइन यानी 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे आके डे और डेट बदल जाते हैं। व्हेन अ ट्रैवलर क्रॉसेस द आइडियल फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, जब कोई ट्रैवलर आइडियल लाइन को क्रॉस करता है ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में, तो ए डे विल बी गेन, तो उसके अंदर एक दिन जुड़ जाता है, ठीक है, ऐड हो जाता है। व्हाइल व्हेन क्रॉस द आइडियल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और जब कोई वेस्ट से ईस्ट इस लाइन को क्रॉस करता है तो एक दिन कम हो जाता है, सब्सट्रैक्टेड। द आइडियल डज नॉट पास थ्रू एनी मेजर लैंडमार्क, आइडियल जो है वो ज़्यादा किसी लैंडमार्क से होकर नहीं गुजरता। इट zigzags टू अवॉइड क्रॉसिंग अ कंट्री और अ मेजर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इन द पैसिफिक ओशियन, ये एक zigzag है यानी एक टेडी मेडी लाइन है जो अवॉइड करती है एक कंट्री और एक मेजर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को क्रॉस करने में इन द पैसिफिक ओशियन के, काफ़ी सारे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को ये इग्नोर करती है, ठीक, अवॉइड करती है। सो दैट द सेम डे एंड द डेट इज मेंटेन मैंशन एट अ गिवन टाइम, इसलिए सेम डे और सेम डेट ही मैंशन रहती है दिए हुए समय में। यू कैन इमेजिन द कन्फ्यूजन इन अ सिंगल कंट्री हैविंग टू डेज एंड डेट्स, आप क्या अगर आप इमेजिन करते हो तो कन्फ्यूजन होती है एक सिंगल कंट्री के अंदर दो दिनों की और दो तारीखों की, ठीक है, दो डेट्स और दो दिन की कन्फ्यूजन होती है, ओके। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं लॉन्गिट्यूड एंड टाइम, यानी देशांतरीय रेखाएं और समय किस तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। द लॉन्गिट्यूडनल मेजर हेल्प्स अस टू डिटरमाइन द टाइम ऑफ द डे एट एनी पर्टिकुलर प्लेस ऑन अर्थ एट अ गिवन मोमेंट, जो लॉन्गिट्यूडनल देशांतरीय जो मेजरमेंट है वो हमारी हेल्प करता है समय को डिटरमाइन करने में उस दिन का, एनी किसी पर्टिकुलर जगह का धरती पर जो गिवन मोमेंट, एट अ गिवन मोमेंट, एक पल जो हमें दिया जाता है, जो क्षण हमें दिया जाता है, उस क्षण में उस धरती के किसी पर्टिकुलर जगह में उस दिन का समय क्या है, ये हमें कौन बताता है, लॉन्गिट्यूडनल मेजर्स बताते हैं। उसके बाद है वी नो दैट द अर्थ रोटेट्स इन अ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट, हम जानते हैं कि अर्थ जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमती है और जो वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, ठीक है। दस ऑल प्लेसेस टू द ईस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर मेरिडियन विल हैव सनराइज अर्लियर, ऑल प्लेसेस टू द ईस्ट, ईस्ट के जो सारे प्लेसेस हैं एक पर्टिकुलर मेरिडियन होता है उनका, विल हैव सनराइज अर्लियर, यहाँ सूर्योदय जल्दी होता है। एंड ऑल प्लेसेस टू इट्स वेस्ट विल हैव सनराइज लेटर, और इसके वेस्ट की तरफ जितने भी जगह हैं वहाँ पे सनराइज लेटर बाद में होता है। इट टेक्स द अर्थ 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन ऑफ 360 डिग्री, धरती को पूरा 360 डिग्री का रोटेशन पूरा करने में 24 घंटे का समय लगता है। दिस मीन्स दैट द अर्थ स्पिन्स 15 डिग्री यानी 360 डिग्री अपॉन 24 इन वन आवर, एक घंटे में 15 डिग्री स्पिन करती है और एक डिग्री चार मिनट में एक डिग्री स्पिन करती है। हैंस अ प्लेस वन डिग्री ईस्ट टू अनदर प्लेस विल हैव सनराइज 4 मिनट्स अर्लियर, अगर ईस्ट में एक डिग्री यानी चार मिनट में ईस्ट की तरफ एक डिग्री अगर धरती क्या करती है घूमती है तो फिर सनराइज 4 मिनट जल्दी होता है उस तरफ, ठीक है, 4 मिनट का फर्क पड़ जाता है एक डिग्री घूमने से, ओके। उसके बाद में है थस ईच लॉन्गिट्यूड हैज़ इट्स ओन टाइम विच इज़ कॉल्ड द लोकल टाइम ऑफ दैट लॉन्गिट्यूड, हर एक लॉन्गिट्यूड का अपना खुद का समय होता है जिसे लोकल टाइम कहा जाता है उस लॉन्गिट्यूड का। द टाइम एट द प्राइम मेरिडियन इज कॉल्ड द ग्रीनविच मीन टाइम GMT, जो प्राइम मेरिडियन होती है जो बीच वाली रेखा होती है जो मैंने आपको बताया उसके अंदर उस पर जो समय होता है वो क्या होता है ग्रीनविच मीन टाइम होता है GMT। जियोग्राफर्स हैव डिवाइडेड द अर्थ इंटू 24 टाइम जोन्स, जियोग्राफर्स ने अर्थ को 24 टाइम जोन्स में बांटा है। ईच स्पेनिंग 15 डिग्री, हर एक के अंदर स्पिन 15 डिग्री होता है। द सेंट्रल लॉन्गिट्यूड ऑफ ईच टाइम जोन इज टेकन एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन एंड द लोकल टाइम ऑन दैट मेरिडियन इज जनरली फॉलोड ऑल ओवर द टाइम जोन एंड द स्टैंडर्ड टाइम। इसके अंदर क्या होता है, जो सेंट्रल लॉन्गिट्यूड है ईस्ट टाइम जोन इज टेकन एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन, हर एक टाइम जोन को स्टैंडर्ड मेरिडियन की तरह लिया जाता है। लोकल टाइम ऑन दैट मेरिडियन, उस मेरिडियन पे जो लोकल टाइम होता है वो जनरली फॉलो किया जाता है स्टैंडर्ड टाइम के थ्रू ही। दिस प्रोवाइड्स यूनिफॉर्मिटी एंड रिमूव्स कन्फ्यूजन, इससे क्या होता है यूनिफॉर्मिटी यानी संगठन प्रोवाइड करवाया जाता है और कन्फ्यूजन रिमूव होती है। मोस्ट ऑफ इंडियंस टेरिटरी फॉल्स इन द टाइम जोन लेइंग बिटवीन 70 डिग्री ईस्ट एंड 90 डिग्री ईस्ट एंड हैंस द स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन फॉर इंडिया इज
82.5 डिग्री ईस्ट विच पासिस थ्रू मिर्ज़ापुर नियर इलाहाबाद। जो इंडिया के बहुत सारे हिस्से हैं, ज़्यादातर हिस्से हैं, उनके अंदर जो टाइम जोन है वो किसके बीच में पड़ता है, 75 डिग्री ईस्ट एंड 90 डिग्री ईस्ट के बीच में आता है। इसलिए यहाँ का जो स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन है इंडिया का वो 82.5 डिग्री ईस्ट बनता है। और यहाँ जो कहाँ से होकर गुजरता है, मिर्ज़ापुर जो इलाहाबाद के नज़दीक है वहाँ से पास होती है ये लाइन। द लोकल टाइम एट दिस लॉन्गिट्यूड इज फॉलोड इन द एंटायर कंट्री। जो लोकल टाइम होता है इस लॉन्गिट्यूड का वही पूरे देश में फॉलो किया जाता है। एंड इज कॉल्ड द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और इसे ही इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहा जाता है, IST। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका चैप्टर है, आपको इसको इस वीडियो के थ्रू रीड करना है। और जो भी होमवर्क आपको सेंड किया जाए उसको आप अच्छे से अच्छी हैंड राइटिंग में प्रॉपरली अपने नोटबुक में मैंशन करते रहिए। ओके, थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।